कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास पर पहुंचकर वैक्सीन को लेकर ज्ञापन दिया। मोनू सक्सेना ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन महाअभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का झूठा महाअभियान चलाकर वावई लूट रही है। लोग सुबह से वैक्सीन के लिए लाइन में खड़े होते हैं और वैक्सीन नहीं मिलने पर वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा, सभी वैक्सीनेशन केंद्र बंद पड़े हैं, जनता की सुरक्षा का एक ही उपाय है वैक्सीन, वो भी लोगों को नहीं लग पा रही है। सरकार को सबसे पहले जनता की सुरक्षा करनी चाहिए और इसके लिए सबको वैक्सीन समय पर लगाना जरूरी है। देखिए, कोविड-19 से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महावैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है। पहला महावैक्सीन अभियान पिछले महीने जो था वो भी पूर्ण रूप से विफल हुआ, फेल हुआ, और कुछ घंटों में ही वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन खत्म हो गई। आज दूसरा महाअभियान चलाया जा रहा है, यह तीसरा दिन है। दो दिन में 11 और 12 बजे ही पहले भी दिन और दूसरे दिन भी वैक्सीन खत्म हो गई। आज तीसरे दिन पूरे मध्य प्रदेश में और खास तौर पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी वैक्सीन केंद्रों पर कहीं भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, वैक्सीन केंद्र बंद पड़े हुए हैं। पूरे वैक्सीन केंद्रों पर सुबह 8:30 बजे से हजारों संख्या में लोग वापस लौट लौट के जा रहे हैं। धंधे, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी छोड़ छोड़ के लोग आ रहे थे कि हम अपना काम काज छोड़ करके वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन नौकरी व्यवसाय से भी गए और वैक्सीन भी हाथ नहीं लगी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और महाअभियान के माध्यम से झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम शहर की जनता का मांग पत्र लेकर के आए हैं कि शहर की जनता को सुरक्षा कवच दे, वो वैक्सीन उपलब्ध कराए जिसकी वो महाअभियान में बात करें और महाअभियान में झूठी वाहवाही लूटना बंद करें। आज माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री को हम देने आए थे मुख्यमंत्री के नाम ये मांग पत्र, लेकिन वो नहीं है तो हम उनके गेट पे चस्पा करके जाएंगे। ये वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जिनके सेकेंड डोज लगने हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, सबको समय देकर वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना के नियमों का सभी को पालन करना जरूरी है। उस हिसाब से हम लोग सेशन करते हैं और दो दिन पहले से खबर कर देते हैं, तो जितनी वैक्सीन जहां होती है उतने लोगों को बुलाया जाता है और उनको लगाते हैं। आज सेकंड डोज कोविशील्ड का, इसके पहले आप 3 तारीख को कोवैक्सीन का सेकंड डोज लगाया गया, क्योंकि जिन लोगों को एक डोज लग चुका है और उसको दूसरा डोज भी उन लोगों को लगना चाहिए। इसलिए लोगों का कहना भी था कि भाई जिनको हमको फर्स्ट लग चुका है उनको सेकंड, तो आज सेकंड डोज कोविशील्ड लगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।